आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हियर वी हैव अ क्वेश्चन। मूवीज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन रिलीज्ड ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। लोगान रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। नो मूवी रिलीज्ड बिटवीन लोगान एंड द वन व्हिच इज ऑफ 75 मिनट ड्यूरेशन। Only one movie released between the one which is of 75 minute duration and the one which is of 100 minute duration. No movie released between the one which is of 100 minute and Thor. Only one movie released after Thor. Thor released immediately after 100 minute duration movie. Movie Spider-Man is released immediately after the one which is 130 minute duration. More than two movie released in between Spider-Man and Batman. The movie which is of 90 minute duration released before Transformer, and one of movie was of 20 minute more duration than Transformer. So which is of the following movie was of 150 minute duration? Okay, this is a kind of puzzle question. So hum one by one solve karenge steps ko. First हम जो डेज हैं उनको मेंशन कर लेते हैं, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, सो वी हैव दीज फाइव डेज वेयर दीज मूवीज आर रिलीजिंग। सबसे पहले ट्यूसडे को कौन सी मूवी आपकी रिलीज हुई है? लोगान। ओके, सो दिस विल बी फिक्स ऑन ट्यूसडे। उसके बाद में क्या कहा है उसने कि नो मूवी रिलीज बिटवीन लोगान एंड वन विच इज ऑफ 75 मिनट ड्यूरेशन। एक मूवी की ड्यूरेशन है 75 मिनट, वो आपकी पहले भी हो सकती है लोगान से और बाद में भी हो सकती है। तो वी आर टेकिंग बोथ कंडीशन। ओके, तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं दैट 75 मिनट एंड दिस इज ऑल्सो 75 मिनट। यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटीज हो गए 75 मिनट की मूवी की। और उसने क्या कहा है कि कोई भी मूवी आपकी रिलीज नहीं हुई है इन दो मूवीज के बीच में। ओनली वन मूवी इज रिलीज्ड बिटवीन वन विच इज ऑफ 75 मिनट ड्यूरेशन एंड 100। तो सबसे पहले हम 100 की पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं। 100 मिनट आपकी यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। इसमें हम सिंपल इसको डिवाइड कर लेते हैं कंडीशंस में, राइट। तो आप 100 और 75 के बीच में कोई एक मूवी रिलीज हुई है, वो लोगान भी हो सकती है, ठीक है। अब सेकेंड, उसके बाद में हम चलते हैं थर्ड कंडीशन के लिए। नो मूवी रिलीज बिटवीन द वन विच इज ऑफ 100 मिनट एंड थॉर। 100 मिनट की मूवी और थॉर के बीच में कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओनली वन मूवी रिलीज आफ्टर थॉर। थॉर के बाद में एक ही मूवी रिलीज हुई है। थॉर रिलीज इमीडिएटली आफ्टर 100 मिनट ड्यूरेशन मूवी। 100 मिनट के बाद रिलीज हुई है, राइट, थॉर। तो यहां पर हमने थॉर मेंशन कर दी, राइट। नाउ थॉर के बाद में आपका क्या है? थॉर रिलीज्ड मूवी स्पाइडरमैन रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर द वन विच इज ऑफ 130 मिनट ड्यूरेशन। अभी यहां पर हमारे पास 130 मिनट ड्यूरेशन की कोई मूवी की नहीं है, तो हमने सपोज यहाँ पर कंसीडर कर लिया है कि सपोज 130 मिनट मूवी आपकी थर्सडे रिलीज हुई है एंड उसके इमीडिएटली स्पाइडरमैन आपकी रिलीज हुई है, राइट। तो हमने यहाँ पर स्पाइडरमैन मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट कम टू द कंडीशन, दिस स्पाइडरमैन मोर सॉरी आफ्टर दिस मोर देन टू मूवी रिलीज्ड इन बिटवीन स्पाइडरमैन एंड बैटमैन। स्पाइडरमैन और बैटमैन के बीच में दो मूवीज आपकी ज्यादा रिलीज हुई है। तो अगर स्पाइडर आपकी फ्राइडे रिलीज हो रही है तो दैट मीन्स बैटमैन कहाँ पर रिलीज होगी? आपकी ऑन मंडे। नाउ यू कैन सी दैट बिटवीन द स्पाइडर एंड बैटमैन मोर देन टू मूवीज आर रिलीजिंग, दैट लोगान एंड ऑन वेडनेसडे एंड ऑन थॉर, राइट। नेक्स्ट द मूवी विच इज ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशन रिलीज्ड बिफोर ट्रांसफॉर्मर। नाउ एज ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिया है कि मंडे इज हैविंग द 75 मिनट मूवी, वेडनेसडे इज हैविंग 100 मिनट मूवी। तो बेसिकली 90 मिनट ड्यूरेशन कहाँ पर आपकी आएगी? ऑन ट्यूसडे। ओके, तो आपकी क्या बोला उसने कि
90 मिनट ड्यूरेशन रिलीज बिफोर ट्रांसफॉर्मर, तो दैट मींस कि ट्रांसफॉर्मर आपकी कहाँ आएगी, ऑन वेडनेसडे, बिकॉज अगर ट्यूजडे में हमने 90 मिनट मेंशन किया है तो ट्रांसफॉर्मर आपकी कब रिलीज हो रही है, ऑन वेडनेसडे, राइट। अब वन ऑफ मूवी वॉज 20 मिनट मोर ड्यूरेशन देन ट्रांसफॉर्मर। अब हमें चेक करनी है कंडीशन, एक मूवी जिसकी 20 मिनट ड्यूरेशन ज्यादा है ट्रांसफॉर्मर से, वो आपकी कौन सी होगी। देखिए ट्रांसफॉर्मर के बाद अगर हम देखते हैं तो आपकी यहाँ पर कोई भी क्या है, ये थॉर पे हमने यहाँ पर कंसिडर किया था 130 मिनट, राइट। तो अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 20 मिनट्स मींस आपकी थॉर भी हो सकती है और वो स्पाइडर भी हो सकती है, दोनों मूवी आपकी हो सकती है जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मर की ड्यूरेशन से 20 मिनट्स ज्यादा होंगी। नाउ क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी मूवी आपकी 150 मिनट ड्यूरेशन की थी। नाउ देखिए आप इसमें कंपैरिजन करिए, तो बेसिकली दिस मंडे इज बैटमैन इज ऑफ 75, लोगान इज फॉर 90, ट्रांसफॉर्मर इज 100, थॉर इज फॉर 130, स्पाइडर इज फॉर 20। तो बेसिकली देयर इज नो सच मूवी दैट इज ऑफ 150 मिनट, राइट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।